वर्ल्ड कप 2019 में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया था। लीग मैच के 9वें मुकाबले खेलने के बाद भारतीय टीम विश्व कप की अंक तालिका में नंबर 1 पर थी। भारतीय टीम ने 7 मुकाबले जीते थे जबकि एक मैच में हार मिली थी और एक मैच बेनतीजा रहा था। इस तरह लग रहा था कि भारतीय टीम इस विश्व कप की प्रबल दावेदार है, लेकिन बारिश के कारण 2 दिन तक चले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के हाथों भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा और टीम इंडिया विश्व कप से बाहर हो गई थी। वहीं आपको बता दें, इंग्लैंड और वेल्स में खेले गए विश्व कप 2019 के लिए जिस शख्स ने भारतीय टीम को चुना था, उस शख्स का बतौर चयन समिति अध्यक्ष कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पूर्व विकेट कीपर, बल्लेबाज और भारतीय टीम के चयनकर्ताओं के समिति के चेयरमैन MSK प्रसाद। MSK प्रसाद की अगुवाई वाली चयन समिति ने विश्व कप की टीम चुनी और फिर बीच विश्व कप में चोट के कारण कुछ बदलाव किए, जिसके कारण उनको आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा क्योंकि नंबर 4 का बल्लेबाज भारत के पास नहीं था। दरअसल आपको बता दें, MSK प्रसाद का कार्यकाल खत्म होने से पहले उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि भारतीय टीम नंबर 4 के बल्लेबाज की वजह से वर्ल्ड कप नहीं हारी है। MSK प्रसाद ने कहा, मैं नहीं मानता कि नंबर 4 के बल्लेबाज की वजह से भारतीय टीम हारी है, क्योंकि भारतीय टीम ने पॉइंट्स टेबल में टॉप किया था और सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। सेमीफाइनल में एक बुरा सेशन गुजरा जिसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ा। गौरतलब है कि सेमीफाइनल तक भारतीय टीम के कुल 10 मैच खेले थे, जिसमें 8 मैचों में नंबर 4 के बल्लेबाजों को बैटिंग करनी पड़ी। इन 8 मैचों में 4 नंबर पर 4 बल्लेबाज बदले गए, जिसमें केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, विजय शंकर और ऋषभ पंत का नाम शामिल था। लोकेश राहुल ने एक मैच में 42 गेंदों में 26 रन बनाए थे, वहीं हार्दिक पांड्या ने एक मैच में 27 गेंदों में 48 जबकि दूसरे मैच में 19 गेंदों में 26 रन बनाए। वहीं विजय शंकर ने एक मैच में 41 गेंदों में 29 रन और दूसरे मैच में 19 गेंदों पर 14 रन बनाए। बाकी के 3 मैच ऋषभ पंत ने 4 नंबर पर खेले और एक मैच में 29 गेंदों में 32 रन, दूसरे मैच में 41 गेंदों में 48 और सेमीफाइनल में 56 गेंदों में 32 रन बनाए थे। वहीं आपको बता दें, इस मैच में महेंद्र सिंह धोनी को भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। जिस तरीके से वो रन आउट हुए थे, उसकी वजह से वो फैंस के नजरों में चढ़ चुके थे और उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। LD न्यूज रूम की रिपोर्ट।